फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडूफाइल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेल के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ हम इसके दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि इस टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए एक सेल लिया है। सेल में क्या लिया है मैंने, एक जिंक की सोल्यूशन, एक कॉपर की सोल्यूशन। जिंक की सोल्यूशन में जिंक की इलेक्ट्रोड, कॉपर की सोल्यूशन में कॉपर की इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड का कुछ अपना पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रोड का भी कुछ अपना पोटेंशियल होगा, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों के डिफरेंस को। अब हम पहले देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारा सेल जो है, इसको कहेंगे हाफ सेल, इसको भी कहेंगे हाफ सेल। तो हाफ सेल पर हमारा क्या हो रहा है, तो पहले जिंक से क्या होगा, जिंक से ये Zn2+ बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा। यहाँ पे जिंक से Zn2+ बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Zn से Zn2+, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको हम लोग कहते हैं हाफ सेल। क्या कहते हैं, हाफ सेल, क्योंकि हमने हाफ का लिया सिर्फ, तो इसको कहेंगे हाफ सेल। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इज दैट क्लियर। अब इस वाले को देखते हैं, इस हाफ सेल को, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cu2+ से ये टू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये कॉपर सॉल्यूशन जो है ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर सॉलिड बन जाएगा, Cu बन जाएगा, इसको भी हम कहेंगे हाफ सेल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी हमारी हाफ सेल हो गई और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इज दैट क्लियर। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहाँ पे रिडक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, इस तरह से हम कहेंगे। अब इन्हीं दोनों का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि मान लीजिए ई सेल मुझे निकालना है, EMF ऑफ सेल, जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई राइट, राइट हैंड साइड पर क्या है, ये है हमारा, तो ई Cu2+ टू Cu एंड प्लस ई Zn2+, ये होता है हमारा ई सेल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इस तरह से हम निकालते हैं। लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन पोटेंशियल में बदल कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.76। लेकिन हम इसको जब रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो Zn2+ से क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा और -0.76 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम फॉर्मूले में भी माइनस ले आएंगे, तो हमारा ई सेल जो हो जाएगा वो ई Cu2+ से Cu माइनस ई Zn2+ से Zn, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। या फिर हम कह सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका ये होगा, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो हमने जाना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होता है, और सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या, रिडक्शन पोटेंशियल पे करना है, तो Zn2+ से Zn और बीच में दो ऐसे इस तरह से लगाएंगे, Cu2+ से Cu, इस तरह से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको ये दिक्कत हो रही होगी कि लेफ्ट पे कौन रहेगा, राइट पे कौन रहेगा, तो लेफ्ट पे वो रहेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और जिंक का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो राइट पे प्लेस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो लेफ्ट पे प्लेस होगा। तो हमने जाना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम जानेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम E0 से भी लिखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसको कहते हैं जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को टेम्परेचर उसका 298 केल्विन पे मेज़र करें, कंसंट्रेशन उसका 1 मोलर कर दें और प्रेशर 1 बार कर दें। जब किसी भी सेल का हम इस तरह से कर दें, ये 3 कंडीशन को फॉलो कर दें, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी हम इसका टेम्परेचर क्या कर दें सेल का, 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन क्या कर दें 1 मोलर, प्रेशर क्या कर दें 1 बार, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज दैट क्लियर। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे स्टैंडर्ड के लिए। अब हम इसके दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें। यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn से Zn2+ बन रहा है, लेकिन IUPAC के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या निकालना, EMF ऑफ द सेल,
ये आपको सेल दिया हुआ है, इसका ईएमएफ निकालना है 1 मोलर, मतलब स्टैंडर्ड पे है ये। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया कि इसको क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल पे लिखेंगे, तो Zn2+ से Zn लिखेंगे, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट, और ये तो पहले से लिखा हुआ है। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब राइट पे क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो राइट पे ये होगा, तो हम लिखेंगे 0.34 -0.76। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.34 +0.76, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.10 वोल्ट। इस तरह से हमारा इसका ईएमएफ ऑफ द सेल निकल गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा आ गया ई नॉट सेल। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने क्या लिया, जिंक लिया और यहाँ पे सिल्वर लिया, सिल्वर के इलेक्ट्रोड, जिंक के इलेक्ट्रोड, जिंक का सोल्यूशन और सिल्वर का सोल्यूशन। यहाँ पे भी आपको देखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, तो इसको आप किस में चेंज कर लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल में, Zn2+ से Zn हो जाएगा और जो माइनस हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो। फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर कह सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.80 एंड -0.76। 0.80 +0.76 हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.56 वोल्ट। तो हमने जान गए हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना, और किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। पहले हाफ सेल को इस तरह से करेंगे, फिर फुल सेल को इस तरह से, दो लाइन लगा देंगे बीच में। तो इस तरह से हमने जान गए। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।